हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि रामचंद्र भगवान जो है श्री कृष्ण का अवतार है, तो रामायण महाभारत से पहले कैसे हुआ? तो इसमें एक्चुअली क्या हमारा जो है लीनियर है, लीनियर मतलब एक लाइन जैसे है, पहले ये हुआ, बाद में ये हुआ, बाद में ये हुआ, टाइमलाइन के अनुसार। जैसे क्योंकि स्कूल में हम हिस्ट्री सब ऐसा सीखा है, 1920 में क्या हुआ, फिर 1930 में क्या हुआ, फिर 1940 में क्या हुआ, तो एक लीनियर फॉर्म हम पढ़ते हैं हिस्ट्री इतिहास। लेकिन जो इस सृष्टि का इतिहास जो है वो लीनियर नहीं चल रहा है, वो साइक्लिक बोलते हैं, गोल। ओके, गोल मतलब क्या, कहाँ शुरुआत है कहाँ अंतिम है, वो कुछ मतलब ही नहीं, वो घूमते रहते हैं। जो होते जो हो रहे जो हुआ वो वापस हो रहा है। इस प्रकार में हम देखेंगे कि कृष्णा क्या द्वापर युग में आए हैं, उससे पहले कृष्णा नहीं था? नहीं, कृष्णा हमेशा स्थित हैं। इसमें श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि सत्ययुग का राजा जो है, सत्ययुग में जो वंश जो है ध्रुव महाराज का, तो वैसे उसका वंश में पृथु महाराज आते हैं, और पृथु महाराज जो है वो पहले से कृष्ण का पूजा कर रहे थे। इसमें हम देख सकते हैं कि ऐसे नहीं कि द्वापर युग के बाद ही कृष्ण का पूजा चालू हो जाता है। कृष्ण का जो है स्वयं भगवान है, जैसे हमने चर्चा किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, और कृष्ण हर युग में अलग अलग अवतार लेते हैं। ऐसा नहीं कि पहले कृष्ण आए हैं बाद में रामचंद्र आए, या पहले रामचंद्र आए या बाद में कृष्ण आए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान और भगवान का अलग अलग अवतार है, हमेशा स्थित है, वो कभी ना कभी कुछ अपियरेंस लेते हैं। तो सिंपल से अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे, सूर्य सूरज जो है, तो सूरज जो अभी आया, आप नहीं बोल सकते कि आज वाह सूरज का उदय हो गया, मतलब आज ही सूरज बॉर्न हो गया, नहीं, आज सूरज या सूर्य का बर्थडे है, ऐसा नहीं है। सूरज या उद्यान और अस्थान जो है, ऊपर आते और नीचे जाते जो है, वो हमेशा रोज चलते रहते हैं। और कोई ऐसा नहीं देखेगा अगर सूरज सनसेट हो गया, अरे सूरज मर गया, मर गया नहीं, वो बस हमारा दृष्टि में गायब हो जाता है। तो वैसे भगवान का अवतार जब भी आते हैं और जाते हैं, हमारा दृष्टि से चला जाता है, लेकिन भगवान का अवतार जो हमेशा स्थित है, मतलब सत्ययुग में भी रामचंद्र है कृष्ण है, अलग अलग मल्टी यूनिवर्स में, मल्टी ब्रह्मांड में, अलग अलग ब्रह्मांड में चलते रहते लीला, बस हमारा अदृश्य, हम देख नहीं सकते। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा जो वैदिक संस्कृति का, कि हमारा इतिहास जो है वो लीनियर नहीं है, इसका क्या साइक्लिक है। हरे कृष्ण।